आंध्र प्रदेश को तीन राजधानी देने की पेशकश मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। जिस दिन उन्होंने अमरावती, कर्नूल और विशाखापत्तनम को राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव दिया, उसी दिन से जो विरोध शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विरोध में अब प्रदेश के वकील भी शामिल हो गए हैं। वकील हाईकोर्ट को कर्नूल ले जाने के प्रस्ताव से खासे नाराज हैं। सरकार के इस पेशकश से गुस्साए वकीलों ने विजयवाड़ा में विरोध मार्च निकाला। सरकार की हाईकोर्ट शिफ्ट करने के प्रस्ताव से महिलाएं खास तौर पर काफी नाराज हैं। महिला वकील और महिला संगठन की सदस्य हाथ में बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। वकील लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वकीलों ने मांग रखी कि राजधानी सिर्फ अमरावती को बनाया जाए और हाई कोर्ट अमरावती में रहे, क्योंकि अमरावती आंध्र प्रदेश के केंद्र में स्थित है। वकीलों की शिकायत है कि राज्य के बंटवारे के बाद कुछ दिन पहले ही वो हैदराबाद से अमरावती शिफ्ट हुए हैं। अब अगर हाई कोर्ट कर्नूल जाता है तो उन्हें फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। उधर राजधानी को अमरावती के अलावा कर्नूल और विशाखापत्तनम में बनाए जाने से किसान और गांव वाले बहुत नाराज हैं। किसान लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अमरावती के थुल्लरू गांव में एक किसान आधा सिर और आधी मूछें मुंडाकर धरने पर बैठ गया। दरअसल अमरावती को राजधानी बनाए जाने के नाम पर 29 गांव के किसानों ने 33,000 एकड़ जमीन सरकार को दी है। किसानों को उम्मीद थी कि राजधानी बनने से उन्हें फायदा होगा, लेकिन अब कर्नूल और विशाखापत्तनम को भी राजधानी बनाए जाने की पेशकश से वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी के प्रस्ताव से आहत अमरावती के किसानों ने तीन राजधानी के फॉर्मूले के खिलाफ राष्ट्रपति और पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर दखल देने को कहा है। आपको बता दें कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। गांव वालों के समर्थन में टीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी उतर आए हैं। टीडीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी अपनी बात से पलट गए हैं। किसान सीएम जगनमोहन रेड्डी से इतने नाराज हैं कि वेलगापोदी गांव में उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस के रंग में रंगी पंचायत इमारत को काले रंग से पोत दिया। किसानों का गुस्सा देखते हुए पुलिस ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। किसानों का कहना था कि जगनमोहन के चुनाव जीतने से खुश होकर उन्होंने खुद पंचायत भवन को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रंग में रंगा था, लेकिन उनके तीन राजधानी के प्रस्ताव ने उन्हें चोट पहुंचाई है, इसलिए वो पंचायत भवन को काले रंग से रंग रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने जीएन राव कमेटी का गठन किया था, जिसने प्रदेश के तेज विकास के लिए विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग शहरों में स्थापित करने का सुझाव दिया और इसके लिए तीन राजधानी बनाने की सिफारिश की। इसी सिफारिश पर विशाखापत्तनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कर्नूल को ज्यूडिशियल कैपिटल और अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल के तौर पर बनाने का इरादा सरकार ने किया है। हालांकि सीएम जगन रेड्डी ने इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन अमरावती के किसानों, वकीलों और आम लोगों का विरोध देखते हुए जगन रेड्डी तीन राजधानी की सिफारिश पर अमल करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।